हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीसी सेल के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे एनएलसी इंडिया, बेल, भेल, एनबीसीसी और गेल के ऊपर। इन डिटेल में हम लोग बात करेंगे, तो आप लोग जो है वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को क्लिक करके ऑल को भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों को भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनसीसी शेयर के ऊपर। अगर हम लोग बात करेंगे, एनसीसी का शेयर जो है तकरीबन 5% नीचे क्लोज हुआ है आज के ट्रेडिंग सेशन में। इंटायर मार्केट में आपको फॉल था, सभी सेक्टर्स गिरे हुए थे। अगर ऑटो सेक्टर को हम लोग हटा दें तो एकमात्र सेक्टर जो कि पॉजिटिव था वो था ऑटो सेक्टर, वो भी आपको टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो की वजह से। तो चलिए अब बात करते हैं एनसीसी के ऊपर। अगर बात करेंगे तो लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट जो है स्टॉक 8.5% से ज़्यादा टूट चुका है। तो चलिए चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। अगर हम लोग बात करेंगे, एनसीसी एक रेसिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पे 100 का राउंड नंबर लेवल था, जो कि एक साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। साथ ही साथ 95 to 100 ये इस स्टॉक के लिए एक इम्पॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। इससे पहले भी आपको काफी टाइम इस स्टॉक ने इस लेवल पे टाइम स्पेंड किया है, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। फर्स्ट टाइम यहां पे आपको टेस्ट किया था 2021 में। वंस अगेन अगर बात करेंगे 2021 में सेकेंड अटेम्प्ट भी लिया ब्रेक करने का, बट ब्रेक नहीं कर पाया। वापस से स्टॉक में सेल ऑफ देखने को मिला और अगेन जो है यहाँ पे स्टॉक इस रेंज में काफी टाइम स्पेंड किया। ऑलमोस्ट आपको 3 to 4 वीक इस लेवल पे ट्रेड किया, बट यहाँ पे अगेन ब्रेकआउट नहीं कर पाया और वापस से अब हम लोगों को सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक के लिए अगर इमीडिएटली सपोर्ट की बात करेंगे तो इमीडिएटली सपोर्ट आपको इस स्टॉक को 77 के लेवल पे, और अगर 77 का लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है तो फिर स्टॉक जो है 70 के लेवल को भी रीटेस्ट कर लेता है। अपसाइड में अगर बात करेंगे तो अपसाइड में जब तक स्टॉक 100 के लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, इस स्टॉक में फर्दर अपसाइड जो है काफी लिमिटेड रहेगा। अगर 100 के ऊपर आपको सस्टेन करता है तो इमीडिएटली जो है इस स्टॉक में आपको 25 to 30% का एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक की अगर बात करेंगे, सेकेंड स्टॉक है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया के ऊपर बात करेंगे तो एनएलसी इंडिया एक चैनल पैटर्न में ट्रेड करता है, कर रहा है काफी टाइम से। और अगेन अगर यहां पे देखेंगे तो स्टॉक में अपर चैनल से हम लोगों को एक अच्छा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो है हम लोगों को यहां पे स्टॉक वापस से लोअर चैनल को हिट करता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग वेट कर सकते हैं, लोअर चैनल को जैसे ही स्टॉक हिट करेगा आप यहाँ पे बाई साइड के लिए पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्लियरली स्टॉक जो है एक चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जो है लोअर चैनल को हिट करता है और उसके बाद अगेन अपसाइड में आपको हिट करता है अपर चैनल को। अगेन यहाँ पे देखेंगे तो ब्रेकडाउन ऑलरेडी हो चुका है, अपने प्रीवियस स्विंग लो को यहाँ पे एनएलसी इंडिया ने ब्रेकडाउन कर दिया है। तो यहाँ पे जो है स्टॉक तकरीबन आपको 62-63 के लेवल तक वापस से रिट्रेस बैक हो सकता है। 66 के पास जो है आपको इस स्टॉक के पास एक सपोर्ट है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो स्लो एंड स्टडी जो है यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन भी देखने को मिलेगा। जिस चैनल पैटर्न के सपोर्ट से या रेसिस्टेंस से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, अगेन उसका भी आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल सकता है 65-66 पे लोअर चैनल का। तो स्टॉक में 65-66 के अराउंड अगर आप पोजिशन बनाएंगे तो वो एक बेटर ऑप्शन देगा, जहाँ पे कि आपको वापस से अपर चैनल का टारगेट मिल सकता है। तो एनएलसी इंडिया में भी अभी आपको वेट करना चाहिए। इससे पहले जितने भी लोगों ने 65-66 के लेवल पे इस स्टॉक को बाई किया होगा, डेफिनेटली उनको एक अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा और ऊपर के लेवल से वापस से जो है स्टॉक में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। थर्ड स्टॉक की बात करेंगे, थर्ड स्टॉक है बेल। बेल में एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एक सपोर्ट लेवल पे क्लोज दिया है, जहाँ पे कि आपको स्टॉक मल्टीपल टाइम इस लेवल को रीटेस्ट कर चुका है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम रीटेस्ट किया, अगेन यहीं से लास्ट टाइम भी बाउंस बैक हुआ था और वापस से सेम लेवल पे यहाँ पे आपको क्लोज दिया है। तो नेक्स्ट वीक में जैसे ही स्टॉक इस लेवल के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, इस स्टॉक में हम लोगों को फर्दर 80 to 85 के लेवल देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे जो है इस स्टॉक का अभी रिजल्ट भी आना बाकी है, तो इसी वजह से
एक अच्छा इस स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, डाउनसाइड का मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंथली चार्ट के ऊपर अगर देखेंगे तो मंथली चार्ट जो है इस स्टॉक का बियरिश है। यहाँ पे क्लियरली अगर बात करेंगे तो ऑलमोस्ट जो लास्ट टाइम इस स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया था वो लिया था 41 के लेवल पे, उसके बाद से कंटिन्यूसली एक अच्छा अप मूव देखने को मिला, वापस से जो है स्टॉक एक रेंज में 2 वीक के लिए कंसोलिडेट किया, अगेन यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखने को मिला। अगेन यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 4 वीक से एक रेंज में था, 4 मंथ से एक रेंज में था, और अभी स्टॉक प्रीवियस मंथ के लो के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुका है। तो नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक के लिए काफी क्रूशियल है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग इस प्रीवियस मंथ के लो के नीचे हो जाता है तो फिर इस स्टॉक में फर्दर आपको 80 का भी लेवल देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर बात करेंगे, नेक्स्ट स्टॉक है भेल। भेल में भी आपको एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक अच्छे अपमूव के बाद इस स्टॉक में जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखेंगे अपमूव हुआ, अगेन रिट्रेसमेंट हुआ, वापस से अपमूव स्टार्ट हुआ, बट प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और डाउन साइड में लोअर स्विंग लो को ब्रेक कर चुका है। तो इसी वजह से इस स्टॉक में एक हम लोगों को बियरिश पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक में फर्दर फॉल हो सकता है। इमीडिएटली अगर बात करेंगे तो इमीडिएट सपोर्ट जो इस स्टॉक के पास है वो 69 के लेवल पे है, और 69 का लेवल अगर इस स्टॉक में ब्रेक हो जाता है तो फिर फर्दर जो है आपको 15-16% का एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि इस स्टॉक को 60 के लेवल तक लेके जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट स्टॉक है NBCC। NBCC में कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है, यहाँ पे अपसाइड में स्टॉक कंटिन्यूसली रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और रेसिस्टेंस मिल रहा है इस स्टॉक को 60 के लेवल से। 60 के लेवल से अगर बात करेंगे तो कंटिन्यूसली इस स्टॉक में जो है हम लोगों को एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और उसी लेवल से सेल ऑफ आ रहा है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो स्टॉक के पास इमीडिएटली जो एक सपोर्ट है वो है 34 के लेवल पे, और अगर स्टॉक ये सपोर्ट को ब्रेक कर देता है तो फिर वापस से स्टॉक में हम लोगों को 30 का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर आपको इस स्टॉक में बाई साइड के लिए पोजीशन बनाना है, वेट कीजिए इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट का। ट्रेंड लाइन अगर ब्रेकआउट कर जाएगा उसके बाद आपको इस स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक की बात करेंगे तो लास्ट स्टॉक है गेल। गेल में काफी अच्छा एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा था, 100 के लेवल के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा था, बट प्रीवियस 2 ट्रेडिंग सेशन में अगेन स्टॉक जो है फॉल बैक कर चुका है। ब्रॉडली अगर बात करेंगे तो गेल जो है आपको एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जहां पे कि डाउन साइड में स्टॉक सपोर्ट ले रहा है 84 के लेवल पे, अपसाइड में स्टॉक रेसिस्टेंस ले रहा है 112-115 के रेंज पे, और करंटली अगर बात करेंगे तो स्टॉक वंस अगेन जो है लोअर चैनल से यहाँ पे सपोर्ट लेके अपसाइड मूव कर रहा है। अभी स्टॉक ऑलमोस्ट मिड में है तो बेटर है यहाँ पे वेट कीजिए, क्योंकि अपसाइड अगर लेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 10-15% में अगेन स्टॉक जो है एक रेसिस्टेंस को हिट करेगा। बेटर है या तो इस लेवल के ऊपर लीजिए या फिर जो है डाउन साइड में वापस से स्टॉक को रिट्रेसमेंट ले लीजिए और वहाँ पे हम लोग बाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।